हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन ठाकुर और आप देख रहे हैं चैनल करंट न्यूज जॉब्स। जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया है, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों के लिए जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसकी जानकारी। अगर आपने पिछले सप्ताह का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके पिछले सप्ताह का वीडियो देख के रिक्त पड़े पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का लाल सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हर सप्ताह जो नई वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन इजीली आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। चैनल के संदर्भ में अगर आपका कोई भी सुझाव है तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें इस फेसबुक आईडी के माध्यम से दे सकते हैं। आपके जो भी सुझाव हमारे पास आएंगे हम उन्हें अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के बाद। विभाग का नाम है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। विज्ञापन संख्या है 7/2022। पदों का विवरण और पदों की कुल संख्या है: मैनेजर अकाउंट्स के 2 पद, डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स के 18 पद, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर के 7 पद, असिस्टेंट स्टोर कीपर के 5 पद, स्टोर अटेंडेंट के 6 पद, अकाउंटेंट का 1 पद, टेलर मास्टर का 1 पद, पब्लिकेशन असिस्टेंट का 1 पद, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के 364 पद, PGT म्यूजिक मेल का 1 पद, PGT फाइन आर्ट्स पेंटिंग पुरुष का 1 पद, PGT उर्दू पुरुष के 3 पद, PGT उर्दू महिला उम्मीदवार के 3 पद, PGT हॉर्टिकल्चर के 2 पद, PGT साइकोलॉजी पुरुष का 1 पद, PGT साइकोलॉजी महिला का 1 पद, PGT कंप्यूटर साइंस पुरुष के 7 पद, PGT कंप्यूटर साइंस महिला के 19 पद, PGT पंजाबी महिला के 2 पद, PGT संस्कृत महिला के 21 पद, PGT इंग्लिश पुरुष के लिए 13 पद, PGT इंग्लिश महिला के लिए 14 पद, PGT EVGC के पुरुष के 19 पद और PGT EVGC महिला के लिए 35 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार निर्धारित की गई है। उम्मीदवार जो इस कॉलम में दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता को पद के अनुसार किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों में पूर्ण करते हों वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये पद सीधी भर्ती के तहत भरे जाएंगे। पदों के लिए आयु सीमा: उम्मीदवार की ऊपरी आयु सीमा पद के अनुसार 27 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 36 वर्ष और 52 वर्ष अधिकतम आयु को निर्धारित किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को ₹100 आवेदन शुल्क देना होगा। जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हें कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन उम्मीदवार को ऑनलाइन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2022 निर्धारित की गई है। पदों के लिए उम्मीदवार को पद के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर इस विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज्ञापन की PDF फाइल का लिंक दे दिया गया है। आप दिए गए लिंक पे क्लिक करके सीधे तौर से भी आवेदन कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के बारे में कमेंट करना। नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप उस पर अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं। वीडियो के संदर्भ में अगर आपकी कोई भी आशंका है तो आप अपने मैसेज हमें इस फेसबुक आईडी पे भेज सकते हैं। आपके जो भी मैसेज हमारे पास आएंगे हम उसका उत्तर आपको जल्द से जल्द देंगे। अंत में वीडियो को देखने के लिए और चैनल को ढेरों सारा प्यार देने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए और दूसरों के साथ में शेयर करते रहिए। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सप्ताह एक नई वीडियो के साथ मुझे आप लोगों से फिर से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।